नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन राति शोला बेले निज स्त्री सांगे कर दिंतु एमती एक कम जहाँकि आपणकर धनर अभाव के रही धन संपत्ति में भरपूर आपणकर प्रत्येक दिन भलि चल आपण को शहे गुणा सफलता मिल पारे सफलतार कहीं भी अटक पारे से हीपरी चलत जाणी राति एमती किसी पांचटी कम अच्छी जहाँ को भी भूल करवा ना कारण महालक्ष्मी यही कम करने द्वारा बहुत क्रोधित होती एलतु पूरा कथा जानवापी वीडियो को प्रथम रु शेष जाए देखु आदि आपण मैंने आम चेल अच्छा सर्वप्रथमें चेल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल कि आपण मानक वीडियो देखापी प्रत्येक दिन आपण मानी नहीं आसबू तो चलतु एवं वीडियो स्टार्ट करवा दर्शक बंधु आपण मैने तो जानते प्रत्येक दिन आमर सूर्य उदय पर दिन आरंभ एवं सूर्यर अस्त पर दिन रातिर आरंभ होइथाय ओ एहाकु आमे माने दिन एवं राति बोली मानिथाउ सेतिपई शास्त्र रे एहाकु बहुत महत्वपूर्ण बोली कुहा जाय के केउटा दिन एवं केउटा राति आपण माने समस्ते तो जानिछंती आपण मैंने जानते सूर्य अस्त पर कौनसी कार्य को शुभ मना जाए ना कौन सी घरे उन्नति हो न था कारण यह पक्षर तर वास्तु दोष ही थाए ज्योतिष शास्त्र अनुसार एमती किटा कम अच्छी कौन सी महिला केवे भी राति करवा उचित नुहे से घर को ओलटा दारिद्र आसी थाए अलक्ष्मी बास कर ताहले चलतु जानवा यह विषय जहाँकि राति सब कम हुए ना बंधुगण आपण मैने तो जानते जदि महिला मैंने चाहिए आम घर को स्वर्ग बन पारती से ही महिला जी चाहिए घर को नर्क भी बन पारती तो से आपण मैने जानते कि महिला मैंने यही पांचटी कम भूल के राति उचित नुहे तो ये चलतु जानवा कौ कम राति हुए ना जहाद्वारा कि घर को दुख एवं दारिद्रता आसी थाए घर मुखिया कांगाल हो जाती जहाँ कि जो मैंने घर चलाउथांती से मैंने एक थर शून्य हो जाती एवं चलतु जानवा से गुप्त कम जहाँकि स्वामी साथी चलतु एवं जानवा तो चलतु एवं जानवा नंबर वन जहाँकि राति अनुचित आपण मैंने जानते बहुत लोक अच्छा कि दिन में कपड़ा न सफा करके राति सफा करती जहाँकि समय अभाव कि खरार सुखेबा द्वारा कलर उड़ी जाए से कौन करती ना राति कपड़ा सुखाती सफा करती किंतु एटा करवा बिल्कुल ठीक नुहे कारण राति लुगापटा सफा करने द्वारा निज घर वास्तुदोष आसी थाए एमती भी मना जाए कि राति नकारात्मक शक्ति पवन भी बास करुए से केवल राति करूँ ना केवेले भी रात समय निजर कपड़ा लुगापटा केवेले भी सफा करूँ ना जहाद्वारा कि घर को दारिद्रता आसी थाए से चलतु जानवा नंबर टू एमती लोक के जीकि अईठा बासन खाई सारिकी राति थोकी शोपड़ी जहाँकि अईठा बासन को एमती थोबा ठीक नुहे जहाद्वारा कि माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हमें घर महालक्ष्मी चली जाती जहाद्वारा कि आम मान घर अन्नर अभाव बहुत होता है से घर को दारिद्रता भी आसी थाए से आपण मैने सब बड़े अईठा बासन को सफा सुतरा कर परिष्कार करके रखतु जहाद्वारा कि महालक्ष्मी अत्यधिक सन्तुष्ट हमें आउ बहुत खुशी हमें आपण घर सब बड़े बास करती यहपाई आपण धनर भी अभाव केबे भी हुए ना यही कथाटा को आपण मैंने निश्चित मन रखिए अईठा बासन केबे भी थोबेन एवं चलतु जानवा नंबर थ्री आपण मैंने जानते बहुत लोक अच्छा जहाँकि राति समय निजर बेड तले निजर जोता चप्पल थोकी शुंती घर मुख्य द्वार भी रखि दिखती किंतु यहीटा करवा बहुत बड़ भूल आपण मैंने केवेहले भी शोवा समय निजर जोता चप्पल को बेड तले थोकी शुंतुनि कारण एमती शोवा द्वारा आपण देहर रोगर शक्ति बढ़ी थाए जहाँकि आपण को बहुत रोग होता है से हीपरी भी आपण मैंने शोला बेले आपण रूम को पूरा पूरी अंधार कर शोक भल पाते किंतु वास्तुशास्त्र अनुसार रूम को एकदम अंधार कर शोवा उचित नुहे जेबे आपण मैंने राति शो जस्ट हाल्का लाइट शुंतु
जहाँकि आपणकर सकारात्मक शक्ति आसी थाए नकारात्मक शक्ति आपण घर को प्रवेश करे ना। एमिति भी आपण मैंने जदि आहरी गोटे उपाय अच्छी रात शोवा समय आपण रूम्रे गोटे देशी घीर दीप जाड़ी शुंती भी माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हूँ। से हीपरि भी किछि लोक एमिति भूल करंती जाकी राति समय रे बाहर को जाई थांती एवं गोड़ हाथ मुह को न धोई घर भीतर प्रवेश करी निजर बेडरूम को जाई बेड उपर सुंती जाकी तांको दियारे बाहर आसीथिबा नकारात्मक शक्ति आपणको घरे प्रवेश करिथाय। तेनकरी जेबे भी कोनोसी बाहर को जाउछंती एवं राति रे फेरुछंती तो सर्वप्रथमे गोड़ हाथ मुह को भलो की परिष्कार करिकी निज घर भीतर को बा निजर बेडरूम को प्रवेश करंतु आपणक घरे सकारात्मक शक्ति भरी रहिबो। तेणुकरी राति रे एही भूल भी केबे भी करिबे नाही। सेहिपरि चालंतु जानिबा आहुरी गोटे पॉइंट जहाँकि आपण मैंने जानिछंती बहुत लोकंकु बहुत डेरी राति रे सोइबा को भल लगे किंतु शास्त्र अनुसार राति रे अधिक समय रे सोइबा उचित नुहे। ता द्वारा कि राति रे अधिक डेरी रे सोइबा द्वारा शरीर सुस्थ रहे नाही। या द्वारा भी घरे वास्तुदस्त्र लागि रहिथाय एवं दारिद्रता भी बढ़ी थाए। तेणुकरी राति रे ठीक समय रे सोईकी ठीक समय रे उठिबा उचित। तो चलंतु एबे जानिबा आहुरी गोटे महत्वपूर्ण कथा जहाँकि आपणक घरे थिबा पूजा घर को केबे हेले भी राति रे खोला रखंतु नाही। जेबे आपण माने राति रे सोउछंती किंबा संध्या दे सेला परे आपणक पूजा घर रो कबाट बंद कर दियंतु नचेत किछि पर्दा टांगी दियंतु। एहा द्वारा घरे मूर्ति दोष लागि नथाए। सेहिपरि आपण माने जेबे राति रे सोउछंती घरर कबाट आड़कु केबे हेले भी मुंड किंबा गोड़ करिकि सुअंतु नाही। कबाट आड़कु गोड़ किंबा मुंड करिकि सोइबा द्वारा सबुबेले घररे मृत्यु दोष लागि रहिथाय। एबे चलंतु आउरि गोटे पॉइंट जानिबा आपण माने जानिछंती जेतेबेले सखाळ हुए सूर्य उदय परे प्रत्येक लोक निज घरकु सफा सुतरा झाड़ू एवं पोछा करिकि परिष्कार करिथांती। सेहिपरि शास्त्र अनुसार जेबे सूर्य अस्त पर केबे हेले भी घरे पोछा झाड़ू करिबा उचित नुहे। वास्तुशास्त्र अनुसार केवल सकाळु झाड़ू पोछा मारिबा बहुत श्रेष्ठ काम अटे। जदि आपण मानको बहुत बाध्य किंबा घर बहुत अपरिष्कार संध्या परे आपणको झाड़ू मारिबार अछि ताले आपण माने मन रखंतु केबे हेले भी घरे जो कचरा अळिया भारताए ताहाकु बाहर केबे फोपाड़ंतु नाही। कारण संध्या समय रे घरर अळिया कचरा जहाँकि बाहर फोपड़ा हुए नाही सेही अळिया को ता परदिन सकाळ समय रे एकदम घर को पोछा झाड़ू कर सेला परे ताकु मिसेकी फोपाड़िबे। तापरे सेहिपरि कि आहुरी गोटे जरूरी कथा जहाँकि मु आपण मानको कहिबाकु चाहूँगी आपणक घरर झाड़ू होची माँ महालक्ष्मी ताकु एणे तेणे पका जाए नाही। जहाँकि गोटे धड़ा सूतार बांधि कौन सी एक जगार टांगिकी रखंतु जहाँकि आपण घर माँ लक्ष्मी केबे भी जीवे नाही। तो यही कथाटा को भी आपण मैंने काहाकु कहिबे नाही। जहाँकि वास्तुशास्त्र अनुसार जोपर कि आपण मैंने टंका पैसा को निज घरे लुचेक रखुंपरि झाड़ू को भी आपण मैंने निज घरे लुचेक रखु जहाँकि झाड़ू कहारी सामने आसवा उचित नुहे। झाड़ू को लुचेक रखा द्वारा घर के दारिद्रता आसी न थाए। घरे माँ महालक्ष्मी बास सर्वदा होता है। आपण माने मन रखंतु झाड़ू को सबुबले घरर दक्षिण कोण रे ही रखिबे टांगिकी रखंतु नचेत घरर कोणसी दक्षिण कोण रे तळे सुवाईकी झाड़ू को रखंतु या द्वारा आपणक घरे धन सबुबले रहिथाय। आहुरी गोटे कथा मन रखंतु झाड़ू को जेबे रातिरे आपण माने सोउछंती ताले घरर मुख्य द्वार भीतर पटे ही रखंतु। कारण जेबे आपण सखाळे उठुछंती सेई झाड़ू रे घरर मुख्य द्वार को झाड़ू करिबा उचित। कुहा जाए कि राति रे आपणक घर पाखरे जत्ते सबु नकारात्मक शक्ति बुलु थाए घरर द्वार मुंडरे जेबे घरर मुख्य द्वार मुंडर पछपटे झाड़ू रही थाए ताहले आपणक घर को कौनसी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करे नाही। सेहिपरि आपण माने जेउ जगारे खाद्य खाउछंती सेही जगारे भी झाड़ी रखिबा उचित नुहे। कारण आपण जेउटु खाद्य ग्रहण करंती सेठी माँ महालक्ष्मी अन्नपूर्णाकर बास होइथाए ओ से जगार रखिले घरर प्रत्येक सदस्यंकर शरीर रे हानि पहुँची थाए बा देह असुस्थ हुए। तेणुकरी आपण माने जेउ जगारे खाद्य खाउछंती सेही जगारे केबे हेले भी झाड़ू रखंतु नाही।
ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଚଉରା ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି କୌଣସି ଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୂର୍ବରେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତ୍ର ସମୟ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ଆଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଘରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିଥିବେ କେବେ ହେଲେ ବି ରାତ୍ର ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚଉରାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଖାଇବା କିମ୍ବା ଘରେ ଅଇଁଠା ପକାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ବି ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କେବେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିବେନି କିମ୍ବା ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଚୁଟି କାଟିବା ବି ଅନୁଚିତ, ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ହେଲେ ଚୁଟି କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ହାତର ନଖ ବି କେବେ ହେଲେ ରାତିରେ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ତାହାକି ରାତିରେ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଏହି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀର ସଫଳତା ହେବାରେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ମନଖୋଲା ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ତର୍କ ବିତର୍କ ରାଗର ସହିଥାଉ ସବୁକିଛି ରାତିରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଓ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣନ୍ତିନି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ସପୋର୍ଟର ବା ନିଜ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ନିଜର ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କେବେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଚାଣକ୍ୟ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମନ ଖୋଲିକି କଥା ହେବା ଏବଂ ଯେତେ ରାଗରୋଷ ଅଛି ସବୁକିଛି ଦୂର କରିଦେବା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମନାଯାଏ, ଯେଉଁ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆଜି କହିଲି କେଉଁ କାମ ରାତ୍ର ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ କାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।